हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। चेतनाज किचन में एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाएंगे लौकी की खीर। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और खाने में और इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। लौकी की खीर आपने अभी तक बहुत सारी चावल की खीर या फिर सेवैयों की खीर या कई चीज़ों की खाई होगी, लेकिन लौकी की खीर शायद नहीं खाई होगी। तो आप सोच रहे होंगे लौकी की भी कोई खीर होती है, लेकिन यकीन मानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। बिल्कुल अगर एक बार इसको बना लेते हो तो आप गाजर का हलवा भी खाना छोड़ दोगे इस खीर के आगे, इतनी टेस्टी होती है ये। तो मैंने यहाँ पे लौकी ली है और आधा केजी के करीब, और उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, लेकिन उसके अंदर वाला जो वाइट पार्ट होता है वो हमें हटा देना है। और कद्दूकस करने के बाद में हम इसको कढ़ाई के अंदर डालते हैं, और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो हमें सूखा लेना है। तो इस तरीके से हमें चम्मच की सहायता से लगभग इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिलाते रहना है, हिलाते रहना है, और जिससे इसका जो पानी होता है, एक्स्ट्रा पानी होता है, वो हट जाए। तो इधर हम एक बर्तन लेते हैं, उसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पे दूध। तो मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है, फुल क्रीम दूध लिया है मैंने यहाँ पे, और मलाई वाला दूध। और हम इसको अच्छे से क्या करते हैं, गरम कर लेते हैं पहले अच्छे से। और इधर हमारी जो लौकी है वो रेडी हो चुकी है, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी था वो भी निकल गया है। ये खीर यकीन मानिए बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसके सामने आपकी सभी खीर हैं वो बिल्कुल फैल हो जाएंगी। आप एक बार प्लीज़ मेरे कहने से ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस लौकी की खीर को। तो ये देखिए लौकी हमारी बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुकी है, आप देख पा रहे होंगे। और इधर हमारा दूध है वो भी बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है, अच्छे से हीट आने लग गई है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर डाल देंगे लौकी। तो ये देखिए मैंने लौकी डाल दी है, और लौकी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है लौकी को, और लौकी तो आप सबको पता है बड़ी आसानी से मिल जाती है, और हर टाइम हर सीज़न में मिल जाती है लौकी, और ना ही ज़्यादा महंगी होती है, सबसे सस्ती होती है लौकी। तो आप मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, कम मीठा खाते हो या फिर ज़्यादा मीठा खाते हो उसके अकॉर्डिंग चीनी ऐड कर सकते हो। लेकिन चीनी डालने के बाद में हमें इसको लगातार चम्मच से अच्छे से हिलाते रहना है, ताकि चीनी है वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो चीनी हमारी अच्छे से पिघल चुकी है, मेल्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे हम गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, क्योंकि उफन जाएगी। तो ये देखिए खीर में अच्छा सा उबाल आने लग गया है, और अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देते हैं। मीडियम फ्लेम पर हम खीर को पकाएंगे अच्छे से, और अब हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे काजू और बादाम लिए हैं, वो डाल देंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हो, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको स्किप कर सकते हो पूरे तरीके से। बिना ड्राई फ्रूट के भी ये खीर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और ये देखिए मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट को, सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है, चीनी को, लौकी को, ड्राई फ्रूट को, सभी चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। और अब मैं थोड़ी सी यहाँ पे जो नारियल होता है वो मैं थोड़े मोटे मोटे पीसेस करके इसके अंदर डाल देती हूँ। ये इसका जो फ्लेवर होता है बहुत अच्छा आता है खीर के अंदर। और अब हम इसको पकने देते हैं, और मैंने यहाँ पे इसको 10 मिनट तक पकाया है फ्रेंड्स। 10 मिनट के बाद में हमारी जो खीर है वो देखिए कितनी शानदार बनके रेडी हुई है। बिल्कुल इसका जो कलर है वो ही चेंज हो गया है, मावे की तरह बन गई है ये। खाने में आपके मावा भी इसके आगे फैल है, इतनी टेस्टी बनी है हमारी खीर। इसके कलर से ही हमें अंदाज़ा लग रहा होगा, बिल्कुल रबड़ी वाली खीर बनी है हमारी, बहुत टेस्टी बनी है। ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट और डाल देंगे गार्निश के लिए। तो ये देखिए हमारी झटपट खीर बन के रेडी हो चुकी है, बहुत ही सस्ते में, और खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है ये। उसके ऊपर थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ डाल देते हैं, ताकि सुंदर भी लगे और फ्लेवर भी अच्छा हो जाए। तो हमारी लौकी की झटपट खीर बन के रेडी हो चुकी है। आप एक बार प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी खीर की रेसिपी कैसी लगी, और आपने बनाई वो कैसी बनी। तो ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।